इंद्री में अधिकारियों की लेट लतीफी सीएम की घोषणा पर भारी पड़ रही है। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों से बेड फ्लोरिंग की ड्राइंग अप्रूव ना होने के कारण पिछले एक वर्ष से बेड फ्लोरिंग का कार्य पूरा नहीं हो सका है, जिसके कारण सिरसा ब्रांच नहर में पानी आने के कारण पुल की प्रोटेक्शन वॉल नीचे धस गई और पानी साथ लगती पटरी को काटने लग गया। आनन फानन में ठेकेदार और विभाग ने बचाव कार्य शुरू कर दिया, परंतु पानी के तेज बहाव के कारण प्रोटेक्शन वॉल लगातार नीचे धसती जा रही है। स्थानीय लोगों की माने तो यदि पानी की इस तरह तेज गति से चलता रहा तो प्रोटेक्शन वॉल शीघ्र ही नहर में गिर जाएगी, जिससे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। करनाल इंद्री लाडवा मार्ग को फोरलेन बनाने के चलते पश्चिमी यमुना नहर से निकलने वाली सिरसा ब्रांच और चतंग फीडर पर दो नए पुलों की घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की थी। पीडब्ल्यूडी विभाग ने पुल निर्माण का टेंडर मलिक कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया था। मलिक कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा इन पुलों का निर्माण 3,99,00,000 की लागत से किया जा रहा है। ठेकेदार की माने तो बेड फ्लोरिंग और वॉल प्रोटेक्शन का कार्य टेंडर में शामिल नहीं था। सिंचाई विभाग के मौखिक आदेश पर बेड फ्लोरिंग और वॉल प्रोटेक्शन के कार्य की ड्राइंग तैयार करवा कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था, परंतु पिछले एक वर्ष से पीडब्ल्यूडी विभाग ने ड्राइंग को अप्रूव नहीं किया है। ड्राइंग अप्रूव न होने के कारण बेड फ्लोरिंग और वॉल प्रोटेक्शन का कार्य पूरा नहीं हो सका है। कार्य अधूरा होने के कारण पानी बेड में घुस गया है, जिसकी वजह से नहर की वॉल प्रोटेक्शन धंसने लग गई है। इस मामले में पीडब्ल्यूडी विभाग के एसडीओ एसएस डांधा ने सही ढंग से बात नहीं की, उन्होंने अपना नाम भी बताने से इनकार कर दिया। अधिकारियों का इस प्रकार रवैया जब पत्रकारों के साथ हो तो आम नागरिकों के साथ उनका व्यवहार कैसा होगा, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। बेड फ्लोरिंग और वॉल प्रोटेक्शन कार्य टेंडर में नहीं था। इसके अतिरिक्त पानी के आने के कारण जो वॉल धस गई है उसे किसी भी हादसे का डर नहीं है। ये कार्य बीच में रखवा दिया था, पिछले साल बेड आदम रह रहा था तो पिछले साल बेड टूट गया, इसके ऊपर से अप्रूवल नहीं आई। नीचे अफसर कहने लगे कि जब तक अप्रूवल नहीं आते जब तक नहीं करवाते। अप्रूवल पीडब्ल्यूडी नहीं देनी थी, ड्राइंग इरीगेशन से ली थी, उनसे अप्रूव हुई थी, लेकिन काम करने की अप्रूवल पहले तो फोन पे डिस्कस करके शुरू करा दिया, फिर अप्रूव नहीं होया। कहने लगे ने कंप्लीट कराओ, अप्रूव कराओ, जब कंप्लीट करियो ना, वो अप्रूवल आई हेड ऑफिस से और ना ये कंप्लीट होया। हाँ नहीं, लॉस तो अब तक मेरे की पेमेंट करी नहीं है। पेमेंट भी सारी आपने हिला रखी है। हाँ, मेरे घर से पेमेंट लगी हुई है। कितने लागत बता दीजिए? लागत इस पे 40 से 45 लाख रुपए लागत है। करेगा ऊपर से अप्रूव होगा जब पेमेंट होगी। पहले कहते आप काम कर दो, अरे बाद में कल आके ऊपर से अप्रूव नहीं हुआ, अप्रूव होने के बाद पेमेंट करेंगे जब काम कंप्लीट करिए। मौखिक आदेश दे दीजिएगा? मौखिक आदेश, बचाव तो हो जाएगा, कटाव नहीं होगा, लेकिन ये है कि काम कंप्लीट हो तभी वो है। आदम बीच में काम रहने की वजह से स्क्वेरिंग हो रही, स्क्वेरिंग की वजह से वो नीचे बैठ गए। पुल को कोई नुकसान नहीं ना, पुल को वो अब तक तो पुल से दूर है, इसका बेड लेवल है और आगे इसकी माइनिंग होती है नहर की, हर साल खुदाई हो है। इससे 100 मीटर नीचे 8 फुट लेवल गहरा है, उसकी वजह से वेलोसिटी और स्क्वेरिंग होती है, बाद में जाके वो फिलिंग हो जाती है, वो उसकी फिर सील्ड क्लीनिंग कराते हैं, फिर वो बेड 8 फुट गहरा हो जाता है। क्या कारण है, जिम्मेवार है? हाँ नहीं, डिपार्टमेंट भी कर रहा है। भाई ये तो मैं क्या कहूँ, बाकी अगर टाइम से पोल नहीं हटे 1.5 साल, जो काम 5 महीने में कंप्लीट होने का था 2 साल हो गए बैठे, तो उसी करके जो है पुलों के निर्माण कार्य में देरी हो रही। हाँ देरी हो रही, जिले 11वें महीने की 5 तारीख को पोल हटे हैं, काम करने के लिए हमने 1.5 महीना मिला। बोल निकल जे मुंह से आप बोल, तो निकलने की आवाज बस इसमें यही बताना भाई आप। नहीं भैया नहीं, अभी तक कोई हमारे स्कोप में नहीं, ना पेमेंट कर रखी ना कोई एस्टीमेट में, अभी तक कुछ है ही नहीं हमारे आप स्कोप में नहीं है ना। अच्छा, अभी तक ऐसे बना दिए, ये अभी तक अप्रूव ही नहीं है ना एस्टीमेट में। अच्छा, हाँ ठेकेदार बना रहे थे पुल बॉक्स टाइप है, कुछ नहीं बिगड़ता, पुल का कुछ नहीं बिगड़ता।
ना ये तो स्कोप में थी नहीं ना, अभी ये प्रोटेक्शन वर्क एक्स्ट्रा कर रहे थे, पास हो जाता तो इसको आगे बढ़ाते, ये तो पिछले साल से यूँ ही दम पड़े। तो ड्यूटी से किससे, तो ड्यूटी का कोई लेना देना नहीं है, ठेकेदार का लॉस है। हाँ तो ठीक है, जब तक हमने कोई पास नहीं कराया, कोई वो नहीं, पेमेंट नहीं करी, तो ठेकेदार का नुकसान है, ठेकेदार के नुकसान है वो बुक। अच्छा जी, वो बुक होगा। नहीं मतलब अगर डैमेज हो जाते हैं ऐसे, इसका कोई प्रबंध क्या करेगा? पुल का कुछ कोई खतरा नहीं, पुल का डैमेज नहीं होता, जो साइड है कटाना नहीं होती ऐसे ना, कोई कहीं नहीं, पुल की नहीं कटती, पुल की नहीं। मैं कह रहा हूँ जैसे कटाव लग गया अच्छा, अभी आगे तक कितने जा सकते हैं? ये तो मिट्टी डाल के रोक रहे हैं, सड़क ना कटे, रुक जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, सड़क की तरफ कटाव होने लग जाएगा, रोड़ा डाल, रोड़ा डाल के कटे डालें, सड़क को नहीं कटने देंगे। अपना नाम क्या है? ठीक है, नाम आ जाए।